जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको इस्लामाबाद के दामन में वाक़िया रावलपिंडी फैज़ाबाद से 5 से 6 किलोमीटर के फासले पर एक ऐसा खूबसूरत मकाम जिसकी वजह से इस्लामाबाद को एक शहर और एक दारुलहुकूमत होने का एजाज़ हासिल हुआ। मेरा मतलब ये है कि उस जगह पर वो मीटिंग, वो कॉन्फ्रेंस की गई जहाँ पर यह तय पाया गया पाकिस्तान की दारुलहुकूमत को कराची से इस्लामाबाद में शिफ्ट किया जाएगा और इस्लामाबाद को ये एजाज़ दिया जाएगा। तो हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप उस जगह को जान सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपने अभी तक हमारे बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले और ख़ूबसूरत मकामात की वीडियोज़ आप ईज़िली देख सकें। जी तो इस्लामाबाद से I-8 का राउंड अबाउट ब्रिज क्रॉस करके, ठीक है, आगे दरख्तों के खूबसूरत मंजर के साथ बीच से जाता हुआ रास्ता इसको क्रॉस करके हम आगे अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। जी व्यूअर्स, तो हम पहुंच गए हैं जी इस्लामाबाद के तारीखी मुकाम शक्करपड़िया में। ये इसकी एंट्री है जी। जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो एंट्री के राइट साइड पे आपको मिलती है सबसे पहले नमाज पढ़ने के लिए जगह, जहाँ पर नमाजी नमाज अदा करते हैं। और उसके बाद अगर आप सीधे चले जाएं तो वो सामने आपको इसकी पार्क की एंट्रेंस नज़र आएगी। जी व्यूअर्स, तो ये जी इसका मेन एंट्री पॉइंट, यहाँ से इस पार्क की एंट्री है। इसको नेशनल पार्क से भी जाना जाता है। तो जैसे कि आप इस बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं इसकी ओवरऑल हिस्ट्री बताई गई है। ये देखें जी, तो यहाँ पर लिखा गया है कि दारुलहुकूमत के लिए जगह के इंतखाब का ऐलान किया गया था। यहाँ पर इस्लामाबाद की जितना भी तफसीली जायज़े के मुताबिक जो भी इसकी तफसील है वो यहाँ पर डाटा दिया गया है इसका। तो अगर वो इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो वो इसको रीड कर सकते हैं। शाम के वक्त का मंजर यहाँ बहुत ही दिलकश और दिल फरेब होता है। लोग इस्लामाबाद से सैर व तफरी के लिए रोज़ शाम के वक्त यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये उसका संगे बुनियाद रखने का मुकाम आ चुका है।
حکومت پاکستان نے 24 مئی 1960 کو اس مقام پر مرکزی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں فیلڈ مارشل محمد صدر ایوب خان کی زیر صدارت ماسٹر پلان کی منظوری دی۔ تو اس ماسٹر پلان میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اسلام آباد کو دارالحکومت بنایا جائے گا۔ تو یہ وہ اسلام آباد کا سب سے پہلا پارک ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور پرسکون جگہ۔ یہ اس پارک کے بیچوں بیچ واقع خوبصورت فوارہ، جس میں ابھی چلایا تو نہیں جاتا اس کو، لیکن بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہوگا جب بھی یہ چلتا ہوگا۔ اسلام آباد کا موسم بھی آج بہت خوبصورت ہوا ہے۔ مئی کا مہینہ ہے، لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس مہینے میں بھی ہمیں بارشوں جیسی نعمت سے نوازا جا رہا ہے۔ یہاں پر اگر آپ بچوں کے ساتھ آتے ہیں تو آپ بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی بہت سے جھولے موجود ہیں یہاں پر سیر و تفریح کے لیے۔ فیملیز اپنی پکنک انجوائے کر سکتی ہیں اور بچے اپنی پکنک انجوائے کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، اب ہم چلتے ہیں اوپر والی سائڈ پہ۔ بہت ہی پرسکون جگہ ہے۔ جب بھی آپ کا چکر لگے اسلام آباد میں تو ضرور اس جگہ کا وزٹ کریں۔ فیملی پارک ہے، آپ فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں۔ یہ اس کا یہاں سے راولپنڈی اور اسلام آباد کا ویو۔
ये फैमिली सेटिंग के लिए हट्स बनाए गए हैं, कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ रेडी हो चुके हैं जहाँ पर ताकि फैमिलीज आके एंजॉय कर सकें। यहाँ पर मौजूद इस्लामाबाद के व्यू में वाक़या मुनाल और ला मोंटाना का पॉइंट भी यहाँ से नज़र आ सकता है आपको। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको उसका भी ज़रूर विज़िट करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हर दरख्त के नीचे एक तख्ती लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं हर दरख्त के नीचे ये एक तख्ती लगाई गई है जिसने भी प्लांटिंग किया हुआ है। ये दरख्त उसके साथ उसकी डेट भी मेंशन की गई है। और ये वो दरख्त है माशाल्लाह, आप तो बहुत बड़े हो चुके हैं। तो ये आपको हर दरख्त के नीचे एक एक तख्ती मिलेगी। जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने प्लांटिंग किया हुआ था तो हर दरख्त के नीचे एक तख्ती लगी हुई है। जी व्यूअर्स, अब हो चुकी है शाम, तो अब हम आपको दिखा देते हैं इसका शाम का मंज़र। ये इसकी आ गई पार्क, स्विंग पार्क आ गई, और ये इसकी आ गई जी मेन ट्रैक आ गया। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ की एक और तारीखी बात अगर हम याद करें तो जी व्यूअर्स, तो हम इसकी अगर पाकिस्तान से पहले की तारीख की बात करें तो तारीख में कहा जाता है कि यहाँ पर इस जगह पर पाकिस्तान और भारत की तकसीम से पहले यहाँ पर गक्खड़ ख़ानदान के लोग रहा करते थे। 1960 में इस जगह पर इस्लामाबाद को दारुलहुकूमत बनाने का इरादा किया गया, तो उसके बाद उनको यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। टीके आर रेस्टोरेंट भी इसी पार्क के बीचों बीच वाक़ है।
और ये इसका पार्किंग एरिया टी के आर के साथ वाला। बाकी नेशनल पार्क का जो मेन एरिया पार्किंग का वो नीचे वाली साइड पे है जहाँ से एंट्री होती है शकरपुड़िया की। जी व्यूअर्स, तो ये है जी इसका मेन पार्क शकरपुड़िया का पार्किंग। यहाँ पर अगर आप घुड़सवारी करना चाहें तो आप घुड़सवारी भी कर सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर घोड़े की सवारी मौजूद है। बाकी ये सारी पार्किंग एरिया है। जी व्यूअर्स, तो ये थी हमारी आज के तारीखी मुकाम की सैर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन हजरात ने इस जगह का विज़िट नहीं किया हुआ तो वो ज़रूर इस्लामाबाद आएं और इस जगह का विज़िट करें और फिर हमें कमेंट्स में बताएं कि उनको ये जगह कैसी लगी। बहुत शुक्रिया आपका।